हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रोनोमर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो रेगुलेटर लगता है इसमें 6 वायर के कनेक्शन कैसे करने हैं, 3 स्पीड कूलर मोटर वाली कनेक्शन जो है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, ये मेन लीड के वायर है जो कि मैंने एक वायर इसमें जुड़ी रहा था, जिनसे हमारा ब्लू वाला सबको पता है दोस्तों कॉमन रहता है इसमें, तो कॉमन वाला सीधा हमारा उसमें लग गया, जिनसे हमारा वो होता हमारे मेन लीड में से और इसमें से एक पंप में से। ठीक है दोस्तों, तो ये पंप के 2 तार आ रहे हैं, तो 2 तार इसमें से अभी मैं आपको दिखाऊंगा वे कौन कौन से हैं। जैसे कि ये वाले हमारे एक जोनसा कॉमन में से ब्लैक वाला और एक पंप वाला, ठीक है, वे लग गया, और ब्लू वाला पंप में दूसरे वाला लग गया। ठीक है, तो ये हमारे 3 तार बचे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें कैपेसिटर का तो अलग से लगा ही रखा है। तो दोस्तों ये हमारा इसमें रेगुलेटर है जो कि इसमें लगा रहता है। तो इसमें दोस्तों कुछ लिखा रहता है, इसमें L लिखा रहता है, अभी मैं सीधा करके दिखाता हूँ। L रहता है और इधर से फिर जो लेफ्ट हैंड पे रहता है वो 1 रहता है। तो दोस्तों लेफ्ट में जो रहेगा, जो हमारा मेन लीड में से एक ब्लैक वाला और एक जो हमारा पंप में से एक वो वाला वायर, ठीक है, तो दोनों वायर लग जाएंगे हमारे L में, जो हमारा पंप का रहता है। मैंने आपको दिखा रहा हूँ आप इशारे से आपको, ठीक है, तो ये वाला हमारा उसमें लग जाएगा, और एक तार जो सा मैन में लग गया हमारा, आप देख पा रहे होंगे, जो ब्लू को मानते हैं हम कॉमन। तो हमारी ये 3ों तार बचे अब, तो अब इनके 3ों तार के कनेक्शन कैसे होने हैं अभी मैं आपको दिखाऊँगा। तो जैसे कि हमारा L है, तो L वाला जो हमारा मैंने आपको बताया था, एक तो उसका हो गया पंप का और एक हो गया हमारा जो मैन लीड में से आ रहा है, तो उस वो तो उसमें लग जाएगा आपका L में। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हम L में लगा देंगे, और फिर मैं दूसरे वाले वायर का दिखाऊंगा जो कि हमारे दूसरा तीसरा चौथा वायर कैसे कैसे लगाने हैं आपको। तो उसी हिसाब से आपके वे स्पीड कम होती चली जाती है, स्पीड ज़्यादा होती चली जाती है। जैसे कि हाई पे करोगे तो हाई हो जाएगी, और नॉर्मल पे करोगे तो नॉर्मल पे हो जाएगी। वो कैसे होएगी दोस्तों मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों ये हमारा L में लग चुका है। तो दोस्तों रोज़ की मैं वीडियो डालता रहता हूँ, दोस्तों देख सकते हो आप वीडियो देख जाके मेरे चैनल पे। तो गाइस इस वाले को जो हमारा कॉमन उसका है, जो अलग से पंप वाला आ रहा था, उसे हम अलग हटा देंगे। ठीक है, 2 तार रहते हैं उसमें पंप में से, एक हमारा उसमें लग जाएगा, दूसरे वाले 1 में जो पंप में वो रहता है रेगुलेटर, वो वाला तो उसे अलग हटा देंगे। तो अब इसमें जो रेड वाला बचा, रेड वाले का वायर का क्या रहता है हमारा सिलो, तो सबसे पहले लेंगे हम सिलो को फर्स्ट वाले पे। इधर से L पे से लेफ्ट पे आ जाएगा, लेफ्ट पे से हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जो उनसे हमारा फर्स्ट लिख रहा होगा इसमें रेगुलेटर, अगर आपके पास आता है तो आप जब देखना, क्योंकि प्रैक्टिकल दोस्तों करने पे जब भी समझ में आता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये हमारा फर्स्ट में लग गया रेड वाला, रेड वाले को हम मानेंगे स्लो, ब्लू वाला था हमारा कॉमन, कॉमन वाला हमारा उसमें लग गया मैन वाले में, ठीक है। तो ये अब हमारा बचा दूसरे नंबर पर, जो उनसे बचा ये हमारा वाइट, वाइट को क्या होएगा नॉर्मल। तो दोस्तों ये हमारा वाइट जो रहेगा हमारा ये नॉर्मल पे हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हम नॉर्मल करेंगे या हाई करेंगे ऐसे हमारा ये वर्क करेगा, ठीक है। अगर हमारा फिर भी नहीं करता तो आप इसकी डायरेक्शन बदल सकते हो, वायर ऐसे के ऐसे रहने देने हैं, जैसे आपने हटाया था आपको ऐसे लगाना है। तो दोस्तों फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो कि हमारा बचा 30 आखिरी वाला वायर ब्लैक, ब्लैक वाला जो हमारा रहता है हाई। तो दोस्तों कॉमन पे से जैसे हम हाई पे पहुँचाएंगे, कॉमन तो हमारा अलग ही हट जाएगा, कॉमन सीधा हमारा जोन सा हमारा वो था वो कॉमन सीधा उसमें चला जाएगा, एक मेन लीड में और एक जोन सा हमारा उसका आ होगा जो हमारा ये रहता है पंप का, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा चारों के कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब हमें कौन सा करने हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे वो था, ये चारों कनेक्शन हो चुके हैं 1, 2, 3 वाले, और L वाला भी हमारा लग चुका। तो ये वाले हमारा पंप का था, पंप वाले में हमें ऐसी टेप लगा देंगे जिनसे कि हमारा आ रहा था इसमें से पंप वाले रेगुलेटर में से दूसरे नंबर के, ठीक है, टर्मिनल पर से। तो ये हमारा यहाँ पे टेप लगा देंगे उस वाले पे। तो दोस्तों ये ब्लू वाला हमारा जो था आपको मैं दिखा रहा हूँ, ब्लू वाला हमारा रेड में था जो कि हमारे मेन लीड में से लग जाता है कॉमन। तो दोस्तों वो तो आपको पता ही होगा, जो नए मैकेनिक है दोस्तों उन्हें नहीं पता है, तो जो पुराने हैं उन्हें दोस्तों आप पता होगी, ठीक है। तो मैं ऐसी कनेक्शन आपको दिखा रहा हूँ जैसे जैसे थे हमारे इसमें। तो दोस्तों ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा सीधा चला के से,
ठीक है, ये हमारे उसके थे जोन से हमारा पंप रहता है, पंप के और रेगुलेटर के, रेगुलेटर वाला जो पंप रहता है उसमें से। तो दोस्तों अब इसकी डायरेक्शन हमें करनी है जैसे कि हमने पहले निकाला था, सेम ऐसी डायरेक्शन इसमें करनी है। तो वो कैसे करनी है दोस्तों, अगर आपका उल्टा चलता है तो, अगर आपको उल्टा चलता है तो सही, वो आप सही कर लेना। अगर नहीं चलता है तो दोस्तों फिर हमें डायरेक्शन दूसरी बदलनी पड़ेगी, जिनसे कि हमारी हाई लो इसमें लिख रहा है मीडियम। तो दोस्तों वही इसका भी वही वाला हिसाब है जैसे कि मैंने नॉर्मल और वो बताया था आपको, हाई और स्लो का, स्लो पे लो हो जाएगा आपका और जो सा हमारा नॉर्मल है वो हमारा वैसा हो जाएगा मिनी मीडियम पे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप इसे कस लेना। तो दोस्तों मैंने ये कस लिया है और दूसरे वाला पेच आपको दूसरा कस के दिखा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये वाले भी हमने कस लिया है। तो अब इसका ये लगा देंगे जो ऊपर का रहता है रेगुलेटर घुमाने का ऊपर का कैप। तो दोस्तों ये हमने लगा दिया, अब फाइनली आपको मैं टेस्ट करा देता हूँ। तो दोस्तों हमने दुकान पे रख लिया ये अपनी, जो कि हमने दुकान पे खोला था, और तो अभी मैं आपको पीछे खोल के दिखा रहा था दुकान के। तो अब मैंने दुकान पे रख लिया, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा हाई पे चल रहा है अब। ठीक है, तो हाई पे चल रहा है और अभी मैं सारे आपको दिखाऊंगा चेक करा के। तो दोस्तों देख सकते हो आप, अब ऑफ हो चुका है हमारा, ऑफ से फिर हम लो पे दिखाएंगे आपको जैसे जैसे मैंने बताया था, सेम ऐसे कनेक्शन करे थे और सेम ऐसे ही आपका चल रहा है। लो पे चला रहे हैं तो लो पे चल रहा है, हाई पे चला रहे हैं तो हाई पे चल रहा है, और मिनिमम पे चला रहे हैं जैसे मिनिमम चला रहे हैं तो मैक्सिमम जो रहते हैं वो भी चल रहा है। ठीक है, मीडियम वाला। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप कनेक्शन कर सकते हो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भूलने की। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।